जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम भारत के तृतीय ज्योतिर्लिंग यानी कि उज्जैन महाकालेश्वर की बात करने जा रहे हैं कि आपको उज्जैन महाकालेश्वर कैसे पहुंचना है, उज्जैन में आपको रुकने की क्या व्यवस्था है, उज्जैन महाकालेश्वर में आपको खाने पीने की वहां पे क्या व्यवस्था मिलेगी, उज्जैन में आपको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और साथ ही साथ आपको उज्जैन में कौन से समय पे आना उचित रहेगा, उज्जैन में अभी कोरोना के बाद क्या वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उज्जैन में और कौन कौन से स्थान पे हमको विजिट करना चाहिए और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इन घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा और अंत में ये जानेंगे कि उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा जिसमें आपको महाकाल के दर्शन भी होंगे और साथ ही साथ आपका बजट भी कम आएगा। तो दोस्तों बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि आपको उज्जैन महाकाल कैसे पहुंचना है। दोस्तों महाकाल के दर्शन करने के लिए जो आपको आना है तो जो नियरेस्ट स्टेशन है वो है उज्जैन, जो कि मंदिर परिसर से 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। दोस्तों आप उज्जैन आकर वहां से ऑटो टैक्सी लेकर आप मंदिर परिसर तक पहुंच सकते हैं। वहां पे आपको ऑटो मिलेगी, आपको 50 रुपए लिया जाएगा और आपको मंदिर परिसर ड्रॉप कर दिया जाएगा। दोस्तों आप बाई रोड आना चाहते हैं या फिर अगर आपकी पर्सनल व्हीकल है तब भी आप उज्जैन आसानी से पहुंच सकते हैं। उज्जैन महाकालेश्वर के लिए आपको बड़े बड़े शहरों से, चाहे वो मध्य प्रदेश परिवहन की बस हो चाहे वो प्राइवेट बस हो, हर बड़े सिटी से आपको उज्जैन महाकाल के लिए डायरेक्ट बस मिलेगी या फिर अगर आप चाहें तो इंदौर के एयरपोर्ट आकर भी आप उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम उज्जैन पहुंच चुके हैं मंदिर परिसर के पास और हमको अब ये जानना है कि उज्जैन में हम कहां पे स्टे करें और हमको यहां पे किस रेंज पे हमको होटल मिलेगा। दोस्तों यहां पे आपको रुकने के लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो है वहां के मंदिर ट्रस्ट का गेस्ट हाउस। दोस्तों आपको मंदिर के जस्ट थोड़े से पीछे जहां पे भारत माता का मंदिर बना हुआ है उन्हीं के पास आपको वहां पे गेस्ट हाउस देखने को मिलेंगे जिनका चार्ज 500 से स्टार्ट होकर आपको 1000-1500 के होटल देखने को मिल जाएंगे। तो या तो आप चाहें तो यहां उज्जैन के इस गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। दूसरा विकल्प है दोस्तों वहां पे आपके पास प्राइवेट होटल या फिर चाहें तो आप धर्मशाला में भी रुक सकते हैं अगर आपका बजट कम है तो। दोस्तों धर्मशाला के अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो आपको उज्जैन मंदिर परिसर के सामने और वहां के जो मार्केट है वहीं पे आपको बहुत सारे धर्मशाला देखने को मिल जाएंगे जिनका कॉस्ट आपका लगभग 300 से 400 रुपए आपको आराम से 24 घंटे के लिए रूम मिल जाएगा। वही अगर मैं बात करूं आप होटल में रुकना चाहते हैं तो होटल का कॉस्ट जो है वो आपका 500, 600, 700 इस तरीके से आपका फेयर बढ़ता चले जाता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं कि उज्जैन महाकालेश्वर में हमको भोजन की क्या व्यवस्था मिलेगी। दोस्तों मंदिर परिसर के सामने जो रोड गई है जिसमें बाजार है वहां पे आपको बहुत सारे भोजनालय देखने को मिल जाएंगे, तो वहां आप जाके अपना भोजन कर सकते हैं। 50 रुपए थाली स्टार्ट होती है और ये आपकी थाली 150-200 तक की जाती है। हालांकि उज्जैन महाकालेश्वर का खुद का वहां पे प्रसादालय था, भोजन प्रसादालय था, लेकिन कोरोना के कारण आपको इन प्रसादालय में आपको भोजन वितरण नहीं किया जाता तो आप यहां बाहर से होटल पे खा सकते हैं। खाने पीने की आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी, चाहे वो आप ब्रेकफास्ट करें चाहे आप वो लंच या फिर डिनर करें। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने महाकाल के दर्शन करने के लिए। दोस्तों दर्शन करने के लिए सबसे पहले तो आपको लेना पड़ेगा एक दर्शन पास जो कि 250 रुपए का एक व्यक्ति का चार्ज होता है। आप ये पास कटवा के ही मंदिर परिसर में प्रवेश कर पाएंगे या फिर हो सकता है आपको आने वाले समय पे नॉर्मल लाइन यानी कि बिना शुल्क के भी आपको दर्शन करने दे दिया जाए, लेकिन वर्तमान समय की जो स्थिति है वो 250 रुपए के आपको वहां पे पर्ची कटाना पड़ेगा। वहीं पे आपको एक काउंटर बना हुआ है मंदिर के सामने, वहां से आप पर्ची ले लीजिए और आप महाकाल के दर्शन के लिए लाइन में लग जाइए। दोस्तों यहां पे महाकाल के दर्शन के लिए आपको 250 रुपए इसलिए पे करना पड़ रहा है क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है, साथ ही साथ उज्जैन की जो लोकल जनता है वो बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ा देती थी, इस कारण वहां पे ये शुल्क रखा गया ताकि सीमित लोग आए और बाहरी व्यक्ति को दर्शन अवश्य मिले। तो दोस्तों आप लाइन पे लग चुके हैं, हर हर महादेव ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप लाइन में लगिए और दर्शन करने के लिए थोड़ा सा प्रतीक्षा आपको करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे चीज और बताना चाहूंगा कि मंदिर परिसर में मोबाइल अभी आपको फिलहाल अलाउ कर दिया गया है। जूते चप्पल का वहाँ पे एक निशुल्क काउंटर बना हुआ है, चाहे तो आप वहाँ काउंटर पे रख सकते हैं या नहीं तो आप अगर फूल प्रसाद या फिर लेके जाते हैं भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए तो उनके पास भी आप अपने जूते चप्पल या फिर अगर कोई बैग है तो रख सकते हैं। तो दोस्तों आप हर हर महादेव का जाप करते हुए आप पहुंचेंगे उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास। यहाँ पे दर्शन कीजिए, कुछ समय यहाँ पे बिताइए, हर हर महादेव का नाम लेते हुए अपनी मनोकामनाएं मांगिए और मंदिर परिसर से आप बाहर आ जाइए। दोस्तों मंदिर परिसर के बाहर आने के बाद भी अभी आपको और भी छोटे छोटे आपको और भी मंदिर मिलेंगे जिसमें से सबसे प्रसिद्ध है वहां का ओमकारेश्वर मंदिर। तो यहां भी आप जाइए, यहां भी आपको थोड़ा सा लाइन लगना पड़ेगा, इनके भी दर्शन कीजिए। और मंदिर परिसर में ही आपके ढेर सारे मंदिर हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं लाइन से आपको यहां पे मंदिर देखने को मिलेंगे। यहां पे आप चाहें तो अभिषेक भी कर सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं और इन सभी जगह दर्शन कीजिए। विट्ठल रुक्मिणी माता का भी यहां पे मंदिर है, यहां भी जाइए। हनुमान जी का भी मंदिर है, यहां भी दर्शन कीजिए। और भी बहुत सारे यहां पे शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है तो इनके भी आप दर्शन कीजिए। दोस्तों मंदिर परिसर में एक काउंटर बना हुआ है जो कि भोग लगा प्रसाद यहां पे वितरण किया जाता है, यानी कि लाडू प्रसाद है 200 ग्राम 500 ग्राम और 1 किलो, जिसका शुल्क 60 रुपए 130 रुपए और 260 रुपए क्रमशः है। तो दोस्तों ये सारी चीजें घूमने के बाद अब बात करते हैं कि हमको उज्जैन महाकालेश्वर में और कौन कौन से स्थान पे विजिट करना है और हमको इन सारे जगहों को घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले तो ये कि अगर आप उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं तो उससे पहले आप वहां पे क्षिप्रा नदी पे स्नान कर सकते हैं।
जैसा कि आपको मालूम है कि उज्जैन में कुंभ मेला भी लगता है इसी शिप्रा नदी घाट पर, तो आप यहाँ स्नान करके भी दर्शन कर सकते हैं। तो आप शिप्रा नदी पे चले जाइए, यहाँ पे अनेक घाट है जिसमें से राम घाट काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और राम घाट पे दोस्तों आप बोट राइड भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बोट वाला आपका 80 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए इस तरीके से आपसे पैसा लेगा और आपको वो शिप्रा नदी का एक चक्कर लगाकर आपको वापस राम घाट पे छोड़ देगा। तो दोस्तों आप राम घाट पे स्नान कर लीजिए, अगर आप बोट राइड करना चाहते हैं तो बोट राइड कर लीजिए और प्रस्थान कीजिए आप अगले स्थान की तरफ जो कि है आपका संदीपनी आश्रम। दोस्तों ये आश्रम एक प्रकार से विद्यालय है जहां से श्री कृष्ण जी ने और बलराम जी ने और उनके मित्र सुदामा जी ने यहां से शिक्षा ग्रहण करी थी, शिक्षा प्राप्त करी थी। यहां पे 64 उपन्यास लिखे हुए हैं श्री कृष्ण जी के द्वारा और यहां पे इनकी आपको मंदिर मिलेगी, आपको यहां संदीपनी आश्रम यहां पे एक कुंड भी है, तो इस कुंड में भी आप दर्शन कीजिए, यहां पे थोड़ा घूमिए और समय व्यतीत कीजिए, जैसे कृष्णा कहते हुए, हर हर महादेव कहते हुए आप प्रस्थान कीजिए अगले स्थान की तरफ जो कि है आपका मंगलनाथ मंदिर। दोस्तों मंगलनाथ मंदिर में जाने से पहले आपको वहां पे फूल माले वाले बहुत ज्यादा जिद करेंगे कि आप फूल ले लीजिए, 51 रुपए का फूल, 100 रुपए का फूल यहाँ पे मंगलनाथ जी को चढ़ता ही है। लेकिन आप अपने श्रद्धा के हिसाब से काम करिएगा, किसी के भी बहकावे में आकर अपना जेब ढीला मत करिएगा। तो दोस्तों मंगलनाथ का भी दर्शन कीजिए, यहाँ पे भी शिव जी का मंदिर है, यहाँ भी आप थोड़ा सा लाइन लगाना पड़ेगा और आपको दर्शन अवश्य महादेव का मिल जाएगा। और आप इसके बाद प्रस्थान कीजिए वट सावित्री मंदिर। दोस्तों वट सावित्री मंदिर यहाँ पे भी आपको मंदिर देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक बरगद पेड़ है और ठीक इसी के पीछे आपके शिप्रा नदी भी है। तो अगर आप यहाँ पे भी स्नान करना चाहते हैं वट सावित्री मंदिर के दर्शन करने से पहले, तो आप यहाँ पे शिप्रा नदी पे स्नान कर सकते हैं। दोस्तों इस मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको अगले स्थान पे जाना है जो कि है गढ़ कालिका मंदिर। दोस्तों ये कालिका जी का मंदिर है, यहाँ भी आप जाइए, यहाँ पे भी आप मत्थे टेकिए, अपने मनोकामनाएं मांगिए और प्रस्थान कीजिए अगले सबसे मुख्य मंदिर जिसका नाम है काल भैरव मंदिर। दोस्तों काल भैरव मंदिर में आप प्रसाद, दारू, नारियल ये सारी चीजें वहाँ पे चढ़ा सकते हैं। दोस्तों काल भैरव मंदिर में आपको थोड़ा सा लंबा लाइन लग मिलेगा, तो आपको प्रतीक्षा करना है, कम से कम आपको आधे घंटे बाद ही दर्शन प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आप कुछ समय व्यतीत कीजिए, काल भैरव मंदिर में दर्शन कीजिए। मोबाइल कैमरा दोस्तों आपको यहाँ पे अलाउ है और यहीं पे काल भैरव मंदिर के पास आपके यहाँ पे जूता चप्पल का भी काउंटर है, तो वहाँ पे आप जूते चप्पल रखकर ही मंदिर प्रवेश करिएगा। किसी भी लोगों को कोई शुल्क देने की आवश्यकता आपको नहीं है जूते चप्पल और बैग रखने के लिए। तो दोस्तों काल भैरव मंदिर में दर्शन कीजिए, बाहर आइए और अब हम चलते हैं मंदिर परिसर के आसपास जितने भी छोटे छोटे मंदिर है, यानी कि अब उन मंदिर की बात कर रहे हैं जिसमें आपको ऑटो ले जाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये जो मैंने अभी 3 से 4 मंदिर बताए, 3 से 4 स्पॉट बताए, यहाँ पे आपको कैसे विजिट करना है। दोस्तों मंदिर परिसर के ठीक सामने वहाँ पे एक ऑटो स्टैंड है जो कि बैरिकेड के बाहर उन लोग रहेंगे। उन लोगों का एक फिक्स अमाउंट रहता है कि 300 रुपए में आपको ये सारे 4-5 जगह घुमाकर आपको वापस उसी स्थान पर यानी कि मंदिर परिसर के पास ड्रॉप कर देंगे। तो दोस्तों आप 300 रुपए पे जा सकते हैं, अगर बार्गेनिंग करते हैं तो 250 में भी उन लोग चले जाते हैं। तो आप इस हिसाब से अपना ऑटो करके ये सारे जगह घूमेंगे, मुश्किल से आपको 2 से 2.5 घंटे लगेंगे और आप ये सारे जगह को घूम लेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि मंदिर परिसर के आसपास यानी कि जो आपको खुद से दर्शन करने हैं पैदल डिस्टेंस पे करने हैं वो कौन कौन से मंदिर है। दोस्तों सबसे पहले उज्जैन महाकाल मंदिर जो है, तो रोड के ठीक सामने आपको एक मिलेगा बड़ा गणेश मंदिर। दोस्तों यहाँ पे गणेश जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है, यहाँ भी आप दर्शन कीजिए, मंदिर परिसर के ठीक सामने है, तो यहाँ पे भी आप श्री गणेश जी के दर्शन कीजिए। और इसी मंदिर से 200 मीटर की दूरी पे एक बना हुआ है हर सिद्धि माता मंदिर। दोस्तों यहाँ पे भी माता जी के दर्शन कीजिए, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी कहा जाता है, तो इनके भी दर्शन कीजिए। और अभी 2018 में भारत माता मंदिर का भी स्थापना किया गया है जो कि बहुत ही शानदार यहाँ की वास्तुकला है, मंदिर की बनावट बहुत ही शानदार है, तो यहाँ पे भी आप कुछ समय व्यतीत कीजिए। फोटोशूट के पर्पज से भी काफी अच्छा है, अगर आप मंदिर के बाहर अगर आप फोटो खिंचाना चाहते हैं तो फोटो खिंचा सकते हैं, बहुत ही शानदार मंदिर है। और ये भारत माता मंदिर वही मंदिर है, मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जो गेस्ट हाउस था उसी के बगल में ये मंदिर बना हुआ है जो कि 2018 में स्थापना किया गया था। तो दोस्तों आप यहाँ भी दर्शन कीजिए। और इसके साथ एक और आपका अंतिम स्थान बसता है जो कि है विक्रमादित्य मंदिर। दोस्तों यहाँ पे विक्रमादित्य की भव्य प्रतिमा है, तो यहाँ पे भी आप दर्शन कीजिए, कुछ समय व्यतीत कीजिए और आप उज्जैन महाकाल को इस तरीके से घूम सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि हमको उज्जैन आना कब चाहिए और आपको कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों उज्जैन हालांकि अगर आप एकदम अर्ली मॉर्निंग पहुंचते हैं तो आपके लिए एक दिन पर्याप्त है, अदरवाइज अगर आप एक दिन रुकना चाहते हैं और यानी कि 2 दिन का ट्रिप बनाना चाहते हैं तो 2 दिन का ट्रिप बनाकर भी आप भोलेनाथ के भी 2 बार दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय का अभाव है और आप 1 डे ट्रिप बनाना चाहते हैं तो महाकाल के 1 दिन में भी दर्शन हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके जो भी मुख्य दर्शनीय स्थल हैं वो भी आपके हो जाएंगे। चलिए दोस्तों लास्ट बात करते हैं कि हमको उज्जैन घूमने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। दोस्तों अगर आप 1 दिन का ट्रिप बनाते हैं तो उज्जैन महाकालेश्वर में आपको ज्यादा खर्चे नहीं होंगे, 1000 रुपए के अंदर अंदर आप उज्जैन महाकाल के दर्शन भी कर लेंगे और साथ ही साथ सारे दर्शनीय स्थल भी घूम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्टे नहीं बनाते हैं तो आपके होटल का खर्चा बच जाता है और आप महाकाल के दर्शन अवश्य कर लेंगे। तो दोस्तों ये था उज्जैन महाकालेश्वर का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर अगर आपको कोई क्वेरी है
को आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट करके जो भी अपना प्रश्न है वो आप प्रकट कीजिए, डेफिनेटली वहाँ पे मैं आपको रिस्पांस दूंगा। और आप किसी दूसरी वीडियो में खो जाएं इससे पहले मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, आप यात्रा मंगलमय हो।